भंडरिया में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में करीब 10,000 लोगों की भीड़ लग जाती है। बाजार में पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या अत्यधिक रहती है, परंतु बाजार में बनाए गए शौचालय हमेशा बंद रहते हैं। इसे बाजार पहुंचने वाली महिला पुरुषों को शौच के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बाजार से दूर शौच के लिए जाते हैं। इस बाजार में प्रखंड क्षेत्र के करीब 50 गाँव के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ व्यापारी पहुँचते हैं। सप्ताह में एक दिन लगने वाले बाजार के कारण सामानों की खरीद बिक्री काफी बढ़ जाती है। बाजार में अनुमानतः करीब 10 लाख रुपए से अधिक के कारोबार होते हैं। गांव के लोग जंगलों के उत्पाद लेकर बाजार में बिक्री करने पहुंचते हैं। इनमें दवाई, फूल, सताउर, चन्हावर आदि जड़ी बूटी बड़ी मात्रा में बिक्री की जाती है। बिद्दा गांव निवासी चतुर्गुंज सिंह और परो गांव निवासी कुंती देवी ने कहा कि एक सप्ताह में करीब 5 किलो दवाई फूल संग्रहण कर लेती है। ये 50 रुपए प्रति किलो बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि दवाई फूल से 250 से 300 रुपए कीमत मिल पाती है, जिससे उनका भरण पोषण तो नहीं होता परंतु नमक, तेल, तंबाकू आदि के लिए हो जाता है। उन्होंने कहा कि सताउर 130 रुपए बिक्री होता है परंतु चन्हावर 180 रुपए बिक्री होती है। उन्होंने बताया कि सताउर औषधि के रूप में गांव की महिला इस्तेमाल करती है। इसके खाने से महिलाओं में बच्चों को पिलाने के लिए दूध की मात्रा बढ़ जाती है। चन्हावर बुखार के लिए दवा के रूप में काम आता है। गाँव के कोरबा और तुरिया जाति के लोग अपने द्वारा बनाए गए सूप और दौरा को लेकर बाजार संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु उनसे बात नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय के इर्द गिर्द काफी गंदगी का अंबार लगा रहता है। जब से शौचालय बनी है उसका ताला नहीं खुला है।